सभा में विपक्ष के विषय प्रस्ताव पर दूसरे दिन बुधवार 9 अगस्त को भी चर्चा जारी रही। सत्र की शुरुआत में सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मणिपुर हिंसा को लेकर जोरदार हमला बोला। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया। इस दौरान सदन में राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर बीजेपी महिला संसद के स्पीकर से शिकायत की थी। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटना का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। इन घटनाओं पर राजनीति करना शर्मनाक है। मैं पहले दिन से ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन विपक्ष कभी चर्चा नहीं करना चाहता था। आप मुझे चुप नहीं करा सकते, क्योंकि 130 करोड़ लोगों ने हमें चुना है, इसलिए इन्हें अब बताना हमारी का जिम्मेदारी है। मणिपुर में हमारी सरकार पिछले 6 वर्षों के दौरान कर्फ्यू की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के विचार भी करते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री को ही बोलने नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे। आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। मैं तमई और कुकी दोनों संप्रदाय से बातचीत करने के लिए शामिल होने की अपील करता हूँ। हिंसा किसी भी समस्या समाधान नहीं है। जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहा तो उसे बदलना पड़ता है। मणिपुर के सीएम केंद्र के साथ सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, जिसके बाद वहां से 2 झंडे और 2 संविधान खत्म हो गए। मोदी सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त करने के लिए लगातार काम किया है। हम हुर्रियत जमीयत और पाकिस्तान से नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी युवाओं से बात करेंगे। आंतरिक सुरक्षा उपाय पर शाह ने कहा कि हमने देश में PAI पर प्रतिबंध लगाना है और देश में 90 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि UPA अच्छा नाम था, उन्हें गठबंधन का नाम बदलने जरूरी क्यों पड़े। मैं बताता हूँ कि UPA 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घोटाले में शामिल थे। भोपाला घोटाला, 2G सेक्सट्रम घोटाला, CW घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, वाल्डा का घोटाला, DLF घोटाला, चारा घोटाला, उनके पास गठबंधन का नाम बदलने के लिए अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी घोटाले में शामिल नहीं है। NDA ने देश को एक स्थिर सरकार दी है।